नमस्कार दोस्तों, गुरुजी फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या आपका जो ऑटो स्वीप का फैसिलिटी होता है वो SBI अकाउंट में फायदेमंद रहेगा या फिर इससे आपका उल्टा नुकसान होगा। तो चलिए जानते हैं इसी इम्पोर्टेंट सवाल को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर बात करें ऑटो स्वीप फैसिलिटी की, तो ऑटो स्वीप के बारे में अभी तक आप यही जानते होंगे कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट आपको अपने सेविंग या करंट अकाउंट में मिलता है वो 2-3% के बीच में मिलता है। वहीं अगर आप इसमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी को इनेबल करा देते हो तो ये इंटरेस्ट रेट 2-3% से बढ़ के 6-8% तक का हो जाता है। लेकिन जो चीज आप नहीं जानते हो दोस्तों, वो ये है कि जब ऑटो स्वीप फैसिलिटी को आप अपने अकाउंट में इनेबल कराते हो तो कुछ तरह के जो है यहाँ पे पेनल्टीज भी आपके अकाउंट से जुड़ जाते हैं, बहुत तरह के नियम लग जाते हैं और कुछ तरह के यहाँ पे जो है सो टैक्सेस भी आपको भरने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब चीजों को दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर बात करें ऑटो स्वीप फैसिलिटी की, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको इसको समझाया है कि जो भी आपके अकाउंट में स्पेयर पैसा पड़ा हुआ रहता है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ रहता है ना, उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक FD क्रिएट होता रहता है एक टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है। और वहां पे जो है आप उस पैसे पे FD वाला इंटरेस्ट रेट एंजॉय कर पाते हो। अब ऑटो स्वीप का दो पार्ट है दोस्तों, एक का नाम है स्वीप इन और दूसरा का नाम है स्वीप आउट। स्वीप इन तब होता है जब आपका जो स्पेयर पैसा है उसका ऑटोमेटिक FD क्रिएट होता है, वहीं स्वीप आउट तब होता है दोस्तों जब आपका जो ऑटो FD क्रिएट हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहां पे ब्रेक होके आपको मिलता है इमरजेंसी केस में। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी इनेबल करा रहे हो तो आप जो है सो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, मतलब कि जब तक पैसा रहे तब तक उस पे FD वाला इंटरेस्ट मिले और जब मुझे जरूरत पड़े तब वो जो है पैसा मुझे मिल भी जाए। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ SBI, ठीक है। तो SBI में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को मोड्स कहा जाता है, यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। ये अवेलेबल है सभी सेविंग और करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए। अगर अभी बात करें दोस्तों SBI की, जो सेविंग इंटरेस्ट है वो 2.75% का है, वहीं अगर FD इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सभी टाइम ब्रैकेट के लिए यहाँ पे जो है सो सेविंग इंटरेस्ट से ज्यादा है। तो एक बार को आपको ये देख के ऐसा लग सकता है कि किसी भी हालत में जो है सो SBI में ऑटो सेव का फैसिलिटी इनेबल कराना बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन क्या ये बात सच है, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको रूल्स और प्रोसेस समझाना चाहता हूँ SBI में ऑटो स्वीप का। तो अगर बात करें दोस्तों इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट की, तो यहाँ पे जो है सो 35,000 रुपए का यहाँ पे थ्रेशहोल्ड लिमिट है ऑटो स्वीप का SBI में। फर्स्ट ऑटो FD जो क्रिएट होगा वो 10,000 का होगा और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 1,000 में होगा। मिनिमम बैलेंस जो आपका रहना चाहिए इस फैसिलिटी को इनेबल कराने के लिए वो 45,000 रुपए यहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे जो FD का जो है ऑटो स्वीप FD जो क्रिएट होता रहेगा उसका यहाँ पे आप मैनुअली टाइम पीरियड भी चूज कर सकते हो, 1 साल से लेके 5 साल के बीच में। अब इसको मैं और बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से दोस्तों। मान लेते हैं आपका जो है सो SBI में अकाउंट है और अभी आपका जो अकाउंट बैलेंस है दोस्तों 45,000 रुपए है, आपने ऑटो स्वीप का फैसिलिटी इसमें इनेबल करा दिया। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है सो इस 45,000 में से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और ये इसका क्या होगा, 10,000 रुपए का जो है सो ऑटो FD क्रिएट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली FD क्रिएट हो जाएगा। और इसका ड्यूरेशन जो है सो 1 साल का मान के चलते हैं, आपने मैच्योरिटी को चूज कर रखा है। तो अब आपके अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ है दोस्तों वो 35,000 रुपए है। खैर, ये जो 10,000 का FD बना है वो भी आपके लिए विड्रॉल के लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसके साथ कुछ नियम है वो आगे मैं भी बताऊंगा। तो 35,000 का जो है सो अगला स्वीप साइकिल डेट, अब ये स्वीप साइकिल क्या होता है दोस्तों, जब आप ऑटो स्वीप इनेबल कराओगे
तो वहां पे आपको जो है सो मंथली या फिर वीकली स्वीप साइकिल को मतलब चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो उस डेट पे ही क्या होगा कि आपका अकाउंट का चेकिंग होगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और जितना भी पैसा आपके जो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा रहेगा उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1000 के मल्टीपल में FD क्रिएट हो जाएगा। तो मान के चलते हैं आपके स्वीप साइकिल डेट में आपके अकाउंट में 36,000 रुपए हैं, तो यहाँ पे 1,000 रुपए का जो है सो ऑटो FD क्रिएट हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो है सो चलता रहेगा जब तक आप इसे बंद नहीं कराओगे। अब यहाँ तक की तो बातें सारी सॉर्टेड लग रही है दोस्तों और फायदेमंद लग रही है, लेकिन क्या हो जब आपको इस पैसे की जो है सो जरूरत पड़ जाए, मतलब कि आपके अकाउंट में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 35,000, इससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, उस समय आप विड्रॉ करोगे तो ये जो ऑटोमेटिक FDs क्रिएट हो रही हैं आपसे आपकी, ठीक है, उसमें से कुछ टूट के आपके पास आ जाएगी। लेकिन क्या क्या उसके साथ नियम और जो है पेनल्टीज लगती है, आइए आगे समझते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों FD इंटरेस्ट रेट की SBI में, तो ये है इसका इंटरेस्ट रेट। तो अगर बात करें SBI का इंटरेस्ट रेट की अभी दोस्तों, तो यहां पे ये कुछ इस तरह का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन एक साल के अंदर आप कभी भी इससे जो है सो आपका FD, तो अगर बात करें SBI के FD इंटरेस्ट रेट की दोस्तों, तो यहां पे मैंने चार्ट लगा दिया है आपके सामने अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो इसका इंटरेस्ट रेट है उसके लिए, ठीक है। लेकिन एक साल से पहले आपका कभी भी जो है FD टूटता है तो उस केस में SBI चार्ज करता है पेनल्टीज, ठीक है, और वो पेनल्टी जो है दोस्तों वो 0.50% या फिर 1% का होगा। 0.50% उसके लिए जिसका FD अमाउंट 5 लाख से कम है, वहीं 1% उसके लिए जिसका FD अमाउंट 5 लाख से ऊपर है। और यही बात खत्म नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और लगेगा जिसका नाम है टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सेविंग इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से जो है सो टैक्स फ्री रहता है 10,000 तक का, ठीक है। वहीं अगर FD इंटरेस्ट में ऐसा कोई भी चीज नहीं है दोस्तों, तो जो भी कमाई आपकी FD इंटरेस्ट रेट से होगी वो सीधा सीधा आपका इनकम में जुड़ेगा और उस पर आपको इनकम टैक्स भरना होगा। पेनल्टीज और जो है टैक्सेस को अगर आप मिलाकर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सो लगभग 6 महीने तक में कभी भी आपका ऑटो FD टूटता है तो उस केस में आपको नुकसान ही होगा अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट को का देखा जाए इंटरेस्ट उसके हिसाब से। लेकिन बावजूद उसके मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि ये जो है सो ऑटो स्वीप का फैसिलिटी इनेबल कराना आपके अकाउंट में बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप जो है सो सारा पैसा जो आपका आता है वो सारा खत्म नहीं करते हो तो, ठीक है, कभी कभी आपको पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है तो आपके लिए यहाँ बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, पहला बात तो ये जो है सो ज्यादातर लोगों के लिए जो 1% का पेनल्टी है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका एक सप्ताह में 1 लाख मतलब 5 लाख से ज्यादा जो है आपके अकाउंट में स्पेयर पैसा 35,000 के ऊपर जाना, ये जो है हाईली रिच लोगों के भी ही अकाउंट में हो सकता है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास के जो है उसका अकाउंट में एक वीक के अंदर 5 लाख से ऊपर पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो 0.50% का ही पेनल्टी लगेगा, पहला बात। दूसरा बात दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि आपका मल्टीपल FD क्रिएट होता ही जा रहा है, तो जब भी आप पैसे निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सारा का सारा FD टूट जाएगा और सारा पे पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। आपका जो है सो कुछ पैसे की आपको एक्स्ट्रा जरूरत हो गई, मान लीजिए 35,000 का थ्रेशोल्ड है, 1 लाख की जरूरत पड़ गई, तो आपका जो है सो वहां पे 10 FD बना हुआ है तो 2-3 टूट जाएगा, ठीक है। तो 2-3 में आपको मान के चलते हैं थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, लेकिन जो बाकी FD आपके लिए वहां पे अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है जनरेट करेगा, और जब मैच्योर होगा दोस्तों उसके बाद आप उसको जो है निकालते हो, फिर आपको कोई दिक्कत कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल बेनिफिशियल हो सकता है लगभग 99% लोगों के लिए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।